नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि वीडियो नंबर यहाँ पर 23वां आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, यहाँ पर यानी कि आपकी 25 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाली है उनमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से रट लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 100% यही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जो प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इनमें सभी यही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फालतू मत पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपके कितने कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपको पता है दोस्तों। यहाँ पर इतिहास चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो इतिहास का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो गया है आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपकी एग्जाम में यानी कि मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 3 है दोस्तों। यहाँ पर 50 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर पूरे हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों, इतिहास से संबंधित। तो अगर पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान एग्जाम रेट 2021 25 अप्रैल की एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बताइएगा, राम सिंह, जय सिंह सेकंड, या फिर माधव सिंह, या फिर मान सिंह। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जय सिंह के द्वारा किया गया था, जय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर को गुलाबी रंग निम्नलिखित द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है यानी कि राम सिंह, सवाई जय सिंह, या फिर महाराजा माधव सिंह, या फिर महाराजा ईश्वर सिंह। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर गुलाबी रंग से रंगवाया था जयपुर को, तो वहां पर जो राम सिंह ने रंगवाया था दोस्तों, वही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया था बताइएगा, उज्जैन, मथुरा, आगरा, या फिर बनारस में। तो दीजिए इसका आंसर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 50 प्रश्नों का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन प्रश्न को सभी को याद कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, देखिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बनारस में, उज्जैन में, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, आगरा में, जी हां दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। यहां पर वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था, उज्जैन में, मथुरा में, और बनारस में, और जयपुर में करवाया गया था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहां पर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, देखिएगा जयपुर नगर के वास्तुकार थे कौन थे, सवाई जय सिंह, जेम्स टॉट, या फिर विद्याधर, या मिर्जा इस्माइल। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि विद्याधर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपके 16,000 प्रश्नों का महासीरीज चल रही है दोस्तों यहां पर, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो प्रश्न बैंक बना हुआ है सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, देखिएगा दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महादी राज की उपाधि धारण की थी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम भट्टारक, जी हां दोस्तों, यानी कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन आपके सामने है, बतसराज, नागभट्ट, मिहिर भोज, या फिर महेंद्रपाल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि महेंद्रपाल इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, निम्न में से कौन सा शासक जालौर, जी हां दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन आपके सामने है, कीर्तिपाल, समय सिंह, या फिर उदय सिंह, या फिर बतसराज। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये बतसराज, जी हां दोस्तों, यहां पर चौहान शासक नहीं था, बतसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि महाराणा प्रताप का राज अभिषेक हुआ था कहां पर हुआ था बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर महाराणा प्रताप का जो राज अभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, गोगुंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विद्वान जो कि कुंभा के दरबार में नहीं था, ना था मुनि सुंदर सूरी या फिर टीला भट्ट या फिर मुनि जीन विजय सूरी, तो बताइएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनमें से नहीं था तो ये नहीं था, मुनि जैन विजय सूरी नहीं था दोस्तों यहाँ पर, ना था मुनि सुंदर सूरी था, टीला भट्ट था दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों यहां पर, फतेहपुर में, खेतड़ी में, झुंझुनू में या फिर सीकर में? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर, जी हां दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हां दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। गलत पहचानना है आपको खानवा का युद्ध 1527 में, हल्दी कार्टी का युद्ध 1576 में, देवेर का युद्ध 1582 में, सारंगपुर का युद्ध 1528 में, तो इनमें से यहां पर गलत की पहचान करना है दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सारंगपुर दोस्तों यहां पर, ये गलत ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सारंग का युद्ध 1528 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स रॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को, देवेर के युद्ध को, सारंगपुर के युद्ध को या फिर खानवा के युद्ध को? तो 100% एक युद्ध जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहां पर, चाहे वो खानवा युद्ध पूछ ले, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध, चाहे यहां पर घग्गर का युद्ध, तो ध्यान रखना दोस्तों युद्ध याद रख लेना और सारे युद्ध यहां पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहां पर, हमारे कॉन्सेप्ट क्यूज में दोस्तों यहां पर सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों यहां पर, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, 16,000 प्रश्नों को याद कर लेना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि देवेर का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा, देवेर का युद्ध को कहा था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि राणा सांगा बे बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, कहां पर हुआ था बताइएगा, 1527 में, 1576 में, 1583 में या फिर 1577 में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 1527 में, जी हां दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1575 में, 1576 में, 1527 में या फिर 1528 में? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हां 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन आपके सामने है, मालवा का युद्ध में, खातौली के युद्ध में, ब्याने के युद्ध में या फिर गागरा के युद्ध में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में, जी हां दोस्तों खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध नियंत्रण स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने, या फिर मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने, या फिर बीकानेर के राजा राय सिंह ने, या फिर आमेर के राजा भारमल ने? तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि मारवाड़ के राव चंद्र सेन दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहां पर, पीछे मुड़कर नहीं जाना है बल्कि पूरा यहां पर क्लियर कीजिएगा दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर आप लोगों की एग्जाम में। 25 अप्रैल की आपको एग्जाम है दोस्तों यहां पर, 25 अप्रैल को आपको यहां पर आपका पेपर क्रैक करना है इन्हीं प्रश्नों के जरिए दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी माना जाता है, मालदेव चंद्रसेन, जोधा या फिर जसवंत सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर इसका, यानी कि चंद्रसेन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। प्रबल शत्रु था ये अकबर का दोस्तों यहां पर, अकबर का प्रबल शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दुर्ग जो कि महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित नहीं है बताइएगा, पूछा गया है दोस्तों यहां पर ये पहले एग्जाम में, गागरौन दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग या फिर भावमट दुर्ग? तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर,
पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गागरौन दुर्ग। जी हां दोस्तों, गागरौन का किला कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, मचान का दुर्ग, मचान दुर्ग कुंभा ने निर्माण करवाया था, बसंती दुर्ग कुंभा ने निर्माण करवाया था, भौमट का दुर्ग कुंभा ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, कौन थे बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा, हाकिम खान सूरी, अजमल खान या फिर रहमान खान या फिर जफर खान। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाकिम खान सूरी। जी हां दोस्तों, हाकिम खान सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है, कर्नल जेम्स रॉड ने, अबुल फजल ने, बदायूं ने या फिर गोपीनाथ शर्मा ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल ने कहा था दोस्तों यहां पर, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध यहां पर अबुल फजल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, राम प्रसाद। जी हां दोस्तों, यहां पर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, घोड़े का नाम चेतक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी, किसको बनाई थी। ऑप्शन आपके सामने है, चामंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या फिर कल्यारी। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चामंड को बनाया था दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे, विग्रह राज चतुर्थ, सोमेश्वर या फिर पृथ्वीराज या फिर अर्णवराज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जो सोमदेव थे जिसने विग्रह राज की रचना की थी दोस्तों यहां पर, ललित विग्रह राज की रचना की थी, जिसमें यहां पर विग्रह राज और उसकी पत्नी के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन मिलता है। तो विग्रह राज चतुर्थ के शासन काल में था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों यहां पर, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कौन कौन स्टूडेंट यहां तक वीडियो को पूरा देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने, अकबर और हेमू के बीच, शेरशाह और हेमू के बीच या फिर औरंगजेब और दारा के बीच या फिर बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोहराई का जो युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और यहां पर दारा के मध्य हुआ था दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए चार दूत का सही क्रम कौन सा है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शनों को और प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, यानी कि मानसिंह, जलाल खान, टोडरमल या फिर भगवान दास, या फिर टोडरमल, जलाल खान, मानसिंह या फिर भगवान दास, जलाल खान, टोडरमल, मानसिंह या फिर भगवान दास। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जलाल खान पहला था, फिर मानसिंह था, फिर भगवान दास था और टोडरमल लास्ट में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी बताइएगा दोस्तों यहां पर, 22 कवियों की एक कमेटी थी दोस्तों यहां पर, किस राजा के दरबार में थी, महाराजा मानसिंह, माधव सिंह, महाराणा प्रताप सिंह या फिर महाराजा जय सिंह के दरबार में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराजा प्रताप सिंह के समय दोस्तों यहां पर, यानी कि 22 कवियों की भरमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, राठौड़ों द्वारा, कछवाहा द्वारा या फिर चौहानों द्वारा या फिर प्रतिहारों द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो प्रतिहारों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहारों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था कौन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदेल वंश, गोयल वंश, परमार वंश या फिर गोहिल वंश था। तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, गोहिल वंश था, गोहिल वंश का शासक था दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राजा के
किस राजा के वंशज गुजर प्रतियार कहे जाने लगे थे? बताइएगा चक्रायु, धर्मपाल, नागवट सेकंड या फिर वासुदेव। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा इसका। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर नागवट, जी हां दोस्तों नागवट सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, गुजर प्रतियार कहे जाने वाले थे नागवट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मंडोर के जो प्रतिहार अपने आप को मानते हैं वो क्षत्रिय मानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर गूगल फिल्टर के माध्यम से। और यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है दोस्तों यहां पर, सभी प्रश्न भाई है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग याद नहीं करते हैं। तो आज आपके पास मौका है दोस्तों यहां पर इस प्रश्नों को याद करने का, तो सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रतन सिंह, अमीर भीम सिंह या फिर रतिपाल। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, जी हां दोस्तों यानी कि अलाउद्दीन के यानी कि अमीर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमीर शासक था जब अलाउद्दीन ने यहां पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लुक खान, नसरत खान, उमर खान या फिर एकांत खान। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जो ये दुर्ग दे दिया गया था तो वो यहां पर उल्लुक खान को दे दिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, उल्लुक खान को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताइएगा दोस्तों यहां पर, अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है देखिएगा दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजय राज, जी हां दोस्तों अजय राज ने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था और यहां पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? बताइएगा अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य या फिर अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यहां पर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन कहां पर है? तराइन हरियाणा में है दोस्तों यहां पर, द्वितीय युद्ध में यहां पर यानी कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी दोस्तों यहां पर और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया था गौर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द कर दिया गया था? बताएगा राय सिंह बीकानेर को, उदय सिंह जोधपुर को या फिर मान सिंह आमेर को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर के राय सिंह को यहां पर अकबर ने जोधपुर दुर्ग दे दिया गया था दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? ऑप्शन आपके सामने है, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह या फिर राव बीका। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि कल्याणमल इसका सही आंसर हो जाएगा, कल्याणमल यहां पर यानी कि जहांगीर और अकबर की सेवा में रहा था, दोनों शासकों की सेवा में रहने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहचानो दोस्तों यहां पर कौन सा कथन असत्य है। वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, वह संगीत प्रेमी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह विद्वान नहीं था और पर विद्वानों का आश्रय देता था दोस्तों यहां पर, यह असत्य कथन है यानी कि सही कथन यह होगा, वह बहुत बड़ा विद्वान ही था दोस्तों यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान में खनन प्रारंभ हुआ था? क्षेत्र सिंह,
लक्ष्य सिंह और फलाखा या फिर रतन सिंह या फिर कुंभा के समय, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य सिंह और फलाखा के शासन समय। अगला है देखिएगा, 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर कितने जल्दी हमने अच्छे से समझ लिए दोस्तों, यहां पर 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिएगा दोस्तों, यहां पर हिस्ट्री चल रही है दोस्तों आप लोगों की, यहां पर राजस्थान का जो कोर्स हो रहा है वो लगभग 70% हो चुका है दोस्तों यहां पर, और यहां पर और भी बाकी है 25-20% कोर्स और बाकी है, उसके बाद नेशनल जीके आपकी स्टार्ट होगी दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती एक प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी जप्ती, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि भू लगान निर्धारित करने वाली विधि, कार्य रहित भूमि अनुदान, जमींदार क्षेत्र या फिर भूमि के नापन की एक इकाई। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूमि लगान निर्धारण करने की एक विधि थी दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था, ऑप्शन आपके सामने है, राणा सांगा, राणा कोंबा, पृथ्वीराज चौहान या फिर राणा प्रताप का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप का था दोस्तों यहां पर, राणा पूंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है, बताइएगा सिरोही में, जालौर में, रणथंबोर में या फिर गागरौन में। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहां पर, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं उसका इसका इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहां पर सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक था, कौन था बताएगा दोस्तों यहां पर, विवश करने वाला शासक कौन था, पुरंदर की संधि को विवश करने वाला शासक कौन था, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर महाराजा जसवंत सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह, जी हाँ दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह और यहां पर शिवाजी के बीच यहां पर पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों यहां पर, और ये रट लेना है दोस्तों यहां पर 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, यहां पर शिवाजी और यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह के हुई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर की मुलाकात की, अकबर से मुलाकात किया था बताइएगा दोस्तों यहां पर, राणा हमीर, महाराणा सांगा, उदय सिंह या फिर करण सिंह। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया है दोस्तों यहां पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहां पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह, जी हाँ दोस्तों, अकबर का मुकाबला किया था उदय सिंह ने किया था दोस्तों यहां पर, यानी कि 1567 में किया था, 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों उस समय, तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ऑप्शन आपके सामने, कल्याणमल, गंगा सिंह, लूणकर्ण या फिर राय सिंह ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर का कल्याणमल था दोस्तों यहां पर, जिसने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों यहां पर। कछवा वंश का पूछे तो दोस्तों यहां पर भारमल ने ही संबंध स्थापित किए थे दोस्तों यहां पर सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत राजकुमारी का विवाह हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, जोधाबाई, सबरी या फिर रमना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोधाबाई, जी हाँ दोस्तों, जोधाबाई जो कि भारमल की पुत्री थी जिसका विवाह अकबर के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था, कौन बना था, रावचंद्रसेन, सूरत सिंह या फिर राय सिंह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि रावचंद्रसेन शासक बना था, यानी कि मारवाड़ का, यानी कि मालदेव का पुत्र था रावचंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, अकबर के द्वारा, यानी कि मुगल शासक ने जजिया कर हटाया था दोस्तों यहां पर राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, कौन सा उद्देश्य था बताइएगा दोस्तों यहां पर, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, समाजवादी नीति या फिर मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना।
पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी बताएगा दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, जो चंपारण की जो संधि हुई थी वो हुई थी दोस्तों यहां पर मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी दोस्तों यहां पर, क्योंकि मालवा और गुजरात के जो सुल्तानों ने यह तय किया था दोस्तों यहां पर कि हम राणा सांगा को हराने में एकजुट होंगे दोस्तों यहां पर। उसके बाद दोनों एकजुट होने के बाद दोस्तों यहां पर यह संघर्ष प्रारंभ हुआ था कुंभा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली थी बताइएगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों यहां पर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर हल्दी घाटी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कुंभलगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, महाराणा संग्राम सिंह, रामचंद्र सेन या फिर राणा उदय सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, रामचंद्र सेन। जी हां दोस्तों, रामचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहां पर, सुमेल गिरी का युद्ध हुआ था बताएगा 1544 में, 1555 में या फिर 1533 में या फिर 1455 में। तो सुमेल गिरी का जो युद्ध हुआ था 1544 में, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से आपने 50 क्वेश्चन पूरे अटेंड किए हैं दोस्तों यहां पर, और प्लीज आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। बढ़ते चलिए दोस्तों यहां पर कोर्स को, यानी कि कंप्लीट करते चलिए दोस्तों यहां पर। ये 23वां वीडियो है, 22 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों यहां पर, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट की है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान का कल्चर कंप्लीट किया है, उसके बाद जो अभी फिलहाल चल रहा है वो राजस्थान का इतिहास चल रहा है दोस्तों यहां पर। इतिहास में हमने 4 वीडियो कंप्लीट करा दिए है दोस्तों यहां पर। राजस्थान का प्राचीन इतिहास आपने कंप्लीट देख लिया होगा दोस्तों यहां पर। दूसरा वीडियो राजस्थान की सभ्यताएं डाला था, तीसरा वीडियो राजस्थान का मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 डाला था, उसके बाद पार्ट 2 डाला था, उसके बाद पार्ट 3 डाला है, उसके पार्ट 4 होगा दोस्तों यहां पर। उसके बाद यहां पर आपको पता है एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, ये सभी कॉन्सेप्ट किए जाएंगे दोस्तों यहां पर। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था की जाएगी दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से आपका कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा दोस्तों यहां पर। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और सभी प्रश्न यहां पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों यहां पर, उन्हीं के प्रश्न बैंक पर आधारित है सभी प्रश्न दोस्तों यहां पर। तो सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे है तो उनकी लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों यहां पर, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी अच्छे से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद।